नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। अगर आप नेशनल हाईवे हरिद्वार रुद्रपुर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। काशीपुर की नदी ढेला पुल क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिससे हम फोरलेन से भी जानते हैं। किसी तरीके की कोई भी जनहानि ना हो, इसको लेकर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मौके का मुआयना किया, बार्केटिंग लगाकर ट्रैफिक को डायवर्ट कर दिया है। वहीं यात्रियों की सुरक्षा के लिए पुलिस ने मौके पर ही मोर्चा संभाल रखा है। आपको बता दें कि बरसात का मौसम है, लगातार बारिश पड़ती हुई दिखाई दे रही है, नदियों का जलस्तर भी बढ़ रहा है, लेकिन इस जलस्तर में सिर्फ नेशनल हाईवे का ही पुल क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है। 3 साल में हाथ में गया, धरती में गया, अभी पानी नदी में आया नहीं है। जब पानी नदी में नहीं है, पुल नीचे जाके गिर रहा है। क्या कर रहे हैं ये लोग, क्या कर रहे हैं, ये क्या डाल रहे हैं, मिट्टी डाल रहे हैं इसमें, मिट्टी से पुल रुक जाएगा क्या, आप बताओ मुझे। कितना टोल टैक्स वसूल रहे हैं, कितना हमसे रोड पे पैसा वसूला जा रहा है, क्यों कर रहे हैं हमारी जिंदगी से खिलवाड़ ये लोग। अभी नदी की तरफ देखो जरा, नदी में पानी है क्या, और वो 100 साल का पुल खड़ा है हमारा, अभी उसमें कितना ट्रैफिक चला लो। झांसी ब्लॉक बंगरा थाना अंतर्गत उल्दन के ग्राम पंचायत राजकीर के बगरौनी जागर निवासी 29 वर्षीय युवा किसान नीरज पटेल ने आर्थिक तंगी सरकारी गैर सरकारी कर्ज के चलते जान दे दी। बता दें कि जागर निवासी किसान नीरज पटेल 7 बीघा का काश्तकार था। खेती किसानी करके अपने अपने परिवार का भरण पोषण करता था, जिसमें उसकी एक माँ भी थी और पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। उसके पिता का इकलौता बेटा था, लेकिन वो लगातार कर्ज से परेशान था, जिसको ना देने की वजह से उसने खुदकुशी कर ली। झांसी जिले के विभिन्न मंदिरों की लगातार चोरियां बढ़ती जा रही हैं। मूर्तियों को खंडित किए जाने की घटनाओं पर भी राष्ट्रभक्त संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष अचल अर्जरिया ने अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ एसएसपी झांसी को ज्ञापन देते हुए बताया कि नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में काफी दिनों से मंदिरों की लगातार चोरियां हो रही हैं। साथ ही मंदिर में स्थापित प्राचीन मूर्तियों को असामाजिक तत्वों द्वारा खंडित किया जा रहा है, जिससे आम जनता में काफी रोष है, जिससे झांसी का माहौल भी खराब हो रहा है और अपराधी लगातार इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। राष्ट्रभक्त संगठन के द्वारा प्रेमनगर थाना क्षेत्र में धर्मांतरण के मामले का खुलासा करवाया गया है। इस संबंध में 2 आरोपी भी पकड़े गए हैं। ऋषिकेश नगर निगम के वार्ड संख्या 3 स्थित चंद्रेश्वर नगर क्षेत्र का 2 घाट आज महाराजा सुहेलदेव पार्क के नाम से जाना जाएगा। महापौर नीता ममगई ने पार्क के निर्माणकरण के साथ बच्चों के खेलकूद के लिए खूबसूरत झूलों और ओपन जिम के कार्यों का वैदिक रीति के अनुसार शिलान्यास किया। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने पार्क के नए नाम और उसके सुंदरीकरण के लिए महापौर का आभार भी व्यक्त किया है। नगर वार्ड नंबर 3 में यहाँ पर सुहेलदेव महाराज पार्क का शिलान्यास किया गया, जिसकी कीमत लगभग 9 लाख रुपए है। और इस शुभ अवसर पर मैं क्षेत्र की जनता को, हमारे स्थानीय पार्षद को, सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि नगर निगम ने अपने इस कार्यकाल में अपने बहुत ही सीमित संसाधनों में और विषम परिस्थितियों में जो कार्य किए हैं, उसके लिए मैं सबसे पहले तो मैं क्षेत्र की जनता का भी आभार व्यक्त करूंगी। बलरामपुर जिला बाढ़ से अब अति प्रभावित जिलों में शामिल है। यहाँ पर राप्ती नदी के कहर के लिए ग्रामीणों को बचने के लिए 80 किलोमीटर की लंबाई वाला भोजपुर भटरिया तटबंध राप्ती नदी के किनारों पर बनाया गया है। भोजपुर भटरिया तटबंध में कई जगहों पर गैप्स होने की वजह से न केवल आम जनमानस को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि राप्ती जब अपने उफान पर होती है तो ग्रामीणों की जान हलक में आ जाती है। कुछ इसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं भोजपुरी वीरपुर और मसी जैसे एक दर्जन गांव के ग्रामीण। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले साल आई बाढ़ में भोजपुरी पंप हाउस के पास बने तटबंध में दरार आ गई थी, जिसके बाद से कटान लगातार जारी है, लेकिन इस ओर कोई भी समस्या का समाधान निकाला नहीं जा रहा है। अब ऐसे हालात हो गए हैं कि 50 से ज्यादा गाँव प्रभावित नजर आ रहे हैं। क्या समस्या है आप लोग? समस्या बहुत गंभीर अब होने वाला है, बिल्कुल आ गया हम लोग का बहने का टाइम। जैसे गंगा जी भरी, जैसे बहाय लगी, तब सब लोग फेरा लगे हैं। हाँ, आप बचा लियो, आप पाट दियो,
जब बाढ़ आएगी तो मिट्टी रुकेगा बारिश में, नहीं रुकेगा, इसी वक्त काम तो होना चाहिए, अब कोई दिख ही नहीं रहा है। तो बंधा आपका कब टूटा था? बंधा टूटे तो एक साल से ज्यादा हो गया। कोई अधिकारी आया? बहुत जन आया, मैं बोलता हूँ यहाँ चीप आए थे। बस्ती जिले के लालगंज थाने के शिवपुर गांव में दिल दिखो झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। किसी अज्ञात ने नवजात बच्ची को झोले में भरकर झाड़ियों में फेंक दिया। झोले में बंद मासूम बच्ची तड़पती रही, रोती रही, लेकिन उस निर्दयी मां को अपनी बच्ची पर तरस नहीं आया। हमारा समाज बेटियों के हक अधिकार की बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन इस तरह की घटना पूरे समाज पर सवाल निशान खड़ी कर देती है कि हम आखिर जा कहां रहे हैं। मंगलवार को गांव के माजिद अपने साथियों के साथ अस्थावल मंदिर के पास मनवा नदी में मछली पकड़ने जा रहे थे। झाड़ी में झोला देख रुके, झोले को जब देखा तो छोटी बच्ची तड़प रही थी। उसके गांव के पूर्व प्रधान राम प्रकाश सिंह को घटना की जानकारी दी। चौकी इंचार्ज कुधरा अरविंद सिंह यादव मौके पर पहुंचे और बच्ची को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। ये लड़की मिली, कब मिली, कहां मिली? ये सर मिली है आज, कल कुछ बच्चे मछली मारने गए थे कैदावा ताल के किनारे अस्थावा कुटी के पीछे। हाँ। तो कल एक झोले में इसको देखे थे, लेकिन कल केयर नहीं कर पाए। हाँ। सोचे कि इसमें कुछ फेंका गया है। हाँ। तो आज फिर दोबारा गए उसमें वहाँ मछली मारने, तो वहाँ देखे कि इसमें कुछ हिल रहा है। हाँ। अब आवाज आ रही है। हाँ। तो लोग एक डंडे से इसको हिला करके देखे तो इसका पैर दिख रहा था। उसके बाद हमारे पास फोन किए। सपा मुखिया अखिलेश यादव का प्रदेश सरकार की गौवंश व्यवस्था को लेकर बड़ा हमला हुआ है। उन्होंने फर्रुखाबाद में सांडों का युद्ध दर्शन कराते हुए तस्वीर शेयर की है। अगर देखा जाए तो ये कोई पहला मामला नहीं है, इस तस्वीर अक्सर सामने आती रहती है। अभी कुछ दिन पहले कायमगंज तहसील के सामने दो सांड घंटों तक आपस में लड़ते रहे, दोनों तरफ लंबा जाम लग गया, लेकिन लोगों ने जब लाठी डंडों से सांडों को बचाया तो वो भागने लगे। इसी भगदड़ मच गई और जाम में फंसे कई राहगीर घायल हो गए, कहीं के वाहन पलट गए और क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर बस ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक बच्चे सहित तीन लोगों की मौत हो गई। एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल बच्चों को जिला अस्पताल में गंभीर हालत में अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर कर गया। सूचना पर पहुंचे अधीक्षक देवेश कुमार पांडे जिला अस्पताल पहुंचे, हादसे के बारे में जानकारी ली। हाथरस के थाना हाथरस के क्षेत्र के चौपाल सागर के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। बस के द्वारा मोटरसाइकिल सवार बच्चों को टक्कर मारी गई। घटना पुलिस मौके पर है, उसमें एक बच्चा काफ़ी गंभीर रूप से उसको चोटें आई हैं, तो बच्चा चला करके उपचार का प्रदान कराया जा रहा है। उससे हिसाब होता है गिर सोमनाथ में मेरी मिट्टी मेरा देश कार्यक्रम का जश्न उत्साह के साथ हुआ। विधायक भगवान भाई बराड की उपस्थिति में बादलपाड़ा में मिट्टी को नमन, वीरों को सलाम किया गया। इस थीम के तहत देशभक्ति का त्यौहार उत्साहपूर्वक मनाया गया। विधायक सहित बादलपाड़ा के ग्रामीणों ने शिलाफ कम का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया, शहीदों को नमन किया और पांच प्राण प्रतिज्ञा वृक्षारोपण सेल्फी अपलोडिंग में भाग लेकर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। आज ना देश ना वड़ा प्रधान मैंने अपना सौना सम्माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने प्रेरणा थी मेरा देश मेरी मिट्टी ना प्रोग्राम अंतर्गत अने G20 75 नी सालगिरानू वर्ष आ बधी साथे जारे उजवी रह्या छे त्यारे आजना एना प्रोग्रामना भाग तरीके बादलपरा मुकामे। बाराबंकी जिले के जंगराबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत डमोल गांव में पूरा मामला है, जहां के निवासी मुकेश कुन्ना रावत ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि गांव के कुछ लोगों द्वारा 29 जुलाई की रात करीब 9 बजे उसके साथ मारपीट की गई। संबंध में जंगराबाद थाने में शिकायत करने पहुंचे, जहां पर हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पतालों ने भेजा गया। इसकी तहरीर थाना जंगराबाद में देते हुए कार्रवाई करने की मांग की गई है। लोगों द्वारा जबरन सुलह करने का दबाव बनाया जा रहा है, जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक से शिकायत करते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी उठाई गई है। पहाड़ी क्षेत्र सितारगंज के आसपास लगातार मूसलाधार बारिश के चलते बेगलू नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि हो गई है। बाढ़ से बमनपुरी गांव के निकट बांध टूट गया है। इसके अलावा एक अन्य बांध क्षतिग्रस्त हो गया है। बांध क्षतिग्रस्त होने से निकटवर्ती बमनपुरी में करीब आधा दर्जन लोगों के घरों में पानी घुस गया। बाढ़ आने की सूचना पर प्रशासन सक्रिय हो गया और प्रभावित गाँव बमनपुरी में रेस्क्यू अभियान चलाया गया है। पहाड़ पर ज्यादा बारिश हुई है, उस कारण यहाँ पर जलभराव की समस्या हो गई और काफी जलभराव हुआ है।
आज पूरे अरविंद नगर में आपने देखा होगा कि आज इधर भी नज़र जाती है ऐसा लगता है कि ये कोई तालाब बना हुआ है। तो राजस्व विभाग की पूरी टीम और NDRF SDRF की टीम रात से ही यहाँ पे लगी हुई है। जितने भी लोगों को रेस्क्यू किया जा सकता था पूरा कर लिया गया है। अब 50 परिवारों को रेस्क्यू किया गया है और अभी भी NDRF और SDRF की बोट मौके पर मौजूद हैं। मेरे द्वारा भी पूरे क्षेत्र में भ्रमण किया गया राजस्व टीम के साथ में। यहाँ पर तहसीलदार भी रात से लगे हुए हैं। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र अंतर्गत कठपुला मंदिर में असामाजिक तत्वों द्वारा मंदिर की छत काटकर चोरी और माहौल खराब करने की कोशिश की गई। घटना की सूचना पर पूर्व महापौर शकुंतला भारती मौके पर पहुंचे और पुलिस को मौके पर बुला लिया। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस बल के साथ इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार मौके पर पहुंचे, घटना की जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। जानकारी देते हुए पूर्व महापौर शकुंतला भारती ने बताया कि यहां पहले भी मंदिर की छत काटकर चोरी की कोशिश की गई थी। मंदिर में स्थापित मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, ये घटना लगातार दोहराई जा रही है, माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। क्या हुआ है? देखिए मामला ये है कि आपको पता होगा कि पिछली बार भी यहाँ से छत काट करके चोरी की गई और मूर्तियों को खंडित किया गया था और बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त करके इस तरीके का माहौल बनाया था कि अपने अलीगढ़ की शांति व्यवस्था को पलीता लगाने का पूर्ण रूप से प्रयास किया गया। वो पकड़ा गया और आज फिर वही घटना यहाँ पर हुई है। जहाँ से सीपरी बाजार थाने के सामने का हादसा है, जहाँ मालकिन ने बछड़े पर अपना बुलडॉग छोड़ दिया, जिससे गाय के बछड़े पर हमला हो गया और उसने उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर महिला के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। सीपरी बाजार में एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें एक कुत्ता एक बछड़े को दौड़ा करके उसको काटते हुए नज़र आ रहा है। इसके संबंध में जिसका कुत्ता था, जो महिला साथ में है, उनके विरुद्ध FIR पंजीकृत करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्या सर प्रतिबंधित कुत्ते की भी सख्त कार्रवाई हो? साइज सर्वे को लेकर जिला जज की अदालत मुस्लिम पक्ष के आपत्ति पर दो मामले पर सुनवाई हुई है। मीडिया कर्मियों को ज्ञानवापी परिसर के आसपास रिपोर्टिंग नहीं करने की हिदायत दी गई है। सर्वे को लेकर किसी प्रकार का अनावश्यक कवरेज से बचे मीडिया। SI के सर्वे को लेकर मीडिया कोई भी टिप्पणी ना करे। सर्वे की फीस नहीं जमा करने और सर्वे का समय सुनिश्चित नहीं किए जाने को लेकर भी सुनवाई हुई। 17 अगस्त को जिला जज की अदालत में जवाब दाखिल करेगा हिंदू पक्ष। आज 3 विषयों को लेकर सुनवाई जनपद न्यायाधीश वाराणसी के कोर्ट में थी, जिसमें सबसे बड़ी जो एक्शन पे और उस पर ऑर्डर पास करने का माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा है कि मीडिया की कार्रवाई किसी प्रकार का सोशल मीडिया व्हाट्सएप इत्यादि पर ऐसा कोई भी समाचार प्रसारित करने पर आदेश दिया जाता है कि वो रोक रहेगा। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार द्वारा कलेक्ट्रेट में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत समस्त अधिकारी कर्मचारी को हाथ में दीपक लेकर पंच प्राण विकसित भारत का लक्ष्य है, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता और नागरिकों में कर्तव्य भावना की शपथ दिलाई गई। साथ ही पंच प्राण को अपने जीवन में आत्मसात करने की अपील भी की गई। बुलंदशहर में आजादी के अमृत महोत्सव के समापन समारोह के अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश और हर घर तिरंगा अभियान को संपूर्ण देश में उत्सवी ढंग से आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर 9 अगस्त 2023 दिन बुधवार को SSP श्री कुमार सिंह द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन में उपस्थित अधिकारियों कर्मचारियों पुलिस कर्मचारियों को अमृतकाल के पंच प्रण की शपथ दिलाई गई है। हरदोई जिले में जिला कांग्रेस कमेटी ने डहीकुया स्थित सांगमान पोल्ट्री फार्म बंद कराए जाने की मांग को लेकर शहर में ताली और थाली बजाकर अनोखा प्रदर्शन किया। संदर्भ में जिलाधिकारी हरदोई को डाक से ज्ञापन भेजा है। दरअसल पोल्ट्री फार्म की वजह से आसपास के कई गांवों के लोगों का जीना दुभर हो गया है। करोड़ों की संख्या में मक्खियों के कारण यहाँ के लोग काफी परेशान है, जबकि यहाँ पर 7 ग्रामीणों ने ज्वलनशील पदार्थ लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गए थे। ग्रामीण करीब 12 घंटे तक पानी की टंकी पर चढ़े रहे। पुलिस और प्रशासन के समझाने के बाद ग्रामीणों को टंकी से नीचे उतारा और हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है। बुलंदशहर के जहांगीराबाद पुलिस ने चोरी किए गए टाटा ट्रक मॉडल नंबर 1109 को मात्र 24 घंटे बरामद करते हुए चोरी घटना में संलिप्त 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। जिले में तलाश वांछित आरोपियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर जनपद संभल के थाना रजपुरा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुबुपुरा के पास से 2 अभियुक्तों को गाड़ी काटने के उपकरण सहित गिरफ्तार किया गया है। तो बुलंदशहर से पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर SSP श्लोक कुमार के निर्देशानुसार यह चेक टीम और स्थानीय अभिसूचना इकाई द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत
नगर क्षेत्र में विशेष सघन अभियान चलाया गया है। 9 अगस्त 2023 को एसपी सुरेंद्र तिवारी के निर्देशन में थाना सिकंदराबाद क्षेत्र अंतर्गत रोडवेज बस अड्डा, दासी होटल, मनीष होटल, अनुबंध बस प्रतीक्षालय और भीड़ वाले स्थानों पर विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग अभियान के दौरान संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की भी चेकिंग की गई। श्रावस्ती में टायर सिंचाई विभाग बुजुर्ग कर्मचारी की हत्या हुई है। कमरे में खून से लथपथ का शव मिला, इसे कुचलकर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। शव के पास खून से लथपथ ईंट भी मिली है। सूचना पर पहुंचे एसपी समेत भारी पुलिस बल घटना की बारीकी से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। शव को कब्जे में ले लिया गया है और पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। बुलंदशहर के कलेक्ट्रेट परिसर में समस्त कर्मियों द्वारा डीएम चंद्र प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में आगामी स्वतंत्र दिवस को लेकर मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत अमृत महोत्सव काल के पंचप्रण की शपथ दिलाई गई। शपथ क्रम में पहली शपथ विकसित भारत का लक्ष्य, दूसरी गुलामी के हरण से मुक्ति, तीसरी अपनी विरासत पर गर्व, चौथी एकता और एकजुटता, पांचवी नागरिकों में कर्तव्य की भावना रही। कलेक्ट्रेट परिसर में उपस्थित सभी अधिकारियों को डीएम द्वारा शपथ दिलाई गई थी। गुजरात में पुरुषोत्तम मास चल रहा है। आधुनिक समय में महिलाएं पौराणिक के दर्शन गोपी भाव से कर रही हैं। गोरमा के साथ बालकृष्ण और वलोना रास के साथ पौराणिक भजन कीर्तन और पूजा में सभी महिलाएं सभी मानव जाति और गौ माता की रक्षा के लिए बालकृष्ण और गोरमा से प्रार्थना करती नजर आ रही हैं। सोमनाथ विरावाल में गोपियां एक साथ मिलती हैं और पौराणिक परंपरा और आधुनिक भक्ति का सामूहिक दर्शन करती हैं, जिससे पौराणिक युग में महिलाएं गोपी रास का सेवन कर प्रभु से उसी प्रेम से याचना कर रही थी जिस प्रेम से भगवान माही में माखन मिश्री डालते थे। इसके साथ ही सामूहिक भक्ति में पौराणिक परिवेश और आधुनिक पहनावे की भी झलक मिलती है। गोपी भाव से महिलाओं के द्वारा वालुवन रास, पौराणिक रास गरबा, साथ ही कृष्ण जन्मोत्सव भी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। वहीं गुजरात में भी स्वतंत्रता सेनानी मणिलाल कोठारी की स्मृति आयोजन किया गया है। अमृत महोत्सव के समापन माह और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मातृभूमि और देश की माटी के नायकों को सलाम करने के उद्देश्य से मेरी माटी मेरो गांव मिट्टी को नमन विरोणा वंदन अभियान शुरू किया गया। केंद्र राज्य सरकार द्वारा आज से इसे लॉन्च किया गया है। इस अभियान के तहत स्वतंत्रता सेनानी मणिलाल कोठारी की 133वीं जयंती पर स्वतंत्रता सेनानी मणिलाल कोठारी के इतिहास और चित्रों को दर्शाने वाली फिट की कलात्मक पट्टिका का सुरेंद्रनगर जिले के चुड़ा तालुका के मुगुपुर में विधायक किरीट सिंह राणा और सहित गणमान्य लोगों द्वारा अनावरण किया गया। जिला कलेक्टर केसी संपत, जिला कलेक्टर केसी संपत ने उद्बोधन देते हुए कहा कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले अनेक वीर सपूतों को याद करने का यह अच्छा अवसर है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।